कहाँ दिखता है, तो विकास वास्तव में सरकारी कार्यालय का चहल पहल में दिखता है। जैसे रघुवर सरकार बैठा वैसा ही सरकारी कार्यालय एकदम सुस्त हो गया, तो उसको हम यही बोले कि कहाँ विकास दिखता है। तो सरकारी मशीनरी अगर सुस्त हो गया तो भाई विकास कहाँ होगा। तो अभी रघुवर सरकार बोलते हैं कि किसान का आमदनी दुगुना करेंगे, मतलब कौन सा दवा है कि किसान का आमदनी दुगुना करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग का पशुधन व्यवसायीकरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन सवालों के साथ आज हम राज्य भवन में आए हैं और जिन सवालों को हम उठा रहे हैं, ये सवाल का जवाब भी हमें इस महामहिम से चाहिए और इस महामहिम को इस सवाल का जवाब देना ही होगा। इसलिए कि झारखंड में जमीन जो है वो किसानों का हृदय है, माँ है, और जंगल जो है वो भी माँ है, और ये दोनों पर कारपोरेट की जिद नजर है। हम कहना चाहते हैं साथियों कि जमीन और जंगल, इस पर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं कर पाती है। आखिर क्यों, इसका भी जवाब हमें चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा झारखंड ही नहीं, देश का 10 राज्य ऐसा है जहां सीएनटी एक्ट लागू होता है और सीएनटी एक्ट के तमाम इलाकों में आदिवासी बसते हैं और जंगल भी वहां मौजूद है, मगर न खनिज संपदा न जंगल की वन उपज पर सरकार ने किसी प्रकार का कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं किया है। उसी तरह जमीन का भी कोई मूल्य निर्धारित नहीं हुआ है। हम कहना ये चाहते हैं साथी कि खाली ये किसी आपके सामने उदाहरण है और हम इसके भुक्तभोगी है। ये किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर बड़ी कॉरपोरेट को दे दिया। जापान में भेजे जाते थे इसके बनाए हुए सामान और 10 साल के बाद ये कंपनी ठप हो गई और 2014 में जो सरकार आई उसमें तो एचईसी बेचने का भी कगार में आ गया और कहने लगे ये सरकार कि हम एचईसी बेचना चाहते हैं। आखिर ये एक बड़ा उदाहरण है जो विश्व में सबसे बड़ा फैक्ट्री के रूप में हमारे झारखंड की धरती में, झारखंड में विस्थापित आदिवासियों ने अपनी मां को बेच कर दिया था राज्य के सरकार को और विश्व में उत्पादन को एक क्षमता दिखाया था। लेकिन यही देश की सरकार और राज्य की सरकार इसको संरक्षित नहीं कर पाई, तब हमारे पास सवाल बनता है कि हम अपनी जमीन क्यों दें। झारखंड के अंदर लगातार विस्थापन है, माइनिंग है, जंगल उजड़ रहे हैं, नक्सल के नाम पर पूरा का पूरा गांव खाली हो रहा है। आखिर ये क्यों, आखिर मिलिट्रियों को क्यों झारखंड में बसाया जा रहा है, ये भी हमारे मन में एक सवाल है कि आखिर हमारे जनता और जो जमीन से जुड़े किसान है इनके भूख के सवाल पर राज्य सरकार कोई विचार नहीं करती है, महामहिम कोई विचार नहीं करती है और केंद्र सरकार कोई विचार नहीं करती है। आधा से ज्यादा आदिवासी समुदाय को नौकर बना दिया है, मोटी मेहनत कर रहे हैं, बंदूक में टांग दिया है, लेकिन उनके खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है, इसका जवाब कौन देगा। आखिर पूरे का पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है पर्यावरण, और इसका नतीजा है कि हमारे साल के पेड़ कट गए हैं, इसको कौन बचाएगा, ये भी हमारे बीच में एक सवाल है। और इन तमाम